जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो वीडियो है बहुत ही अच्छी वीडियो है, और आज के अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि चेहरे के ऊपर झाइयाँ हैं, जान ही नहीं है। आप कुछ भी लगाते हैं तो झाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं, उसके बाद में दोबारा वापस आती हैं। या चेहरे के ऊपर बहुत तरह के दाग धब्बे पड़ गए हैं, काले, भूरे, सफ़ेद, तिल, एक्ने, ये सारी चीज़ें महसूस होने लगी हैं। या एज बढ़ने की वजह से स्किन के अंदर की जो एक डल परत हो जाती है वो दिखने लगी है, तो उसकी वजह से स्किन में डलनेस आ गई है और स्किन में चमक नहीं रह गई है। तो इन सारी समस्याओं का निदान आपकी आज की इस वीडियो में है, और बस आप सभी से रिक्वेस्ट इतनी है कि प्लीज़ वीडियो को पूरी सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें मैं बहुत ही नेचुरल, बहुत ही अच्छी चीज़ें बताने वाली हूँ जिनमें आपका कुछ भी खर्चा नहीं होना है। लेकिन ज़रूरत है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझने की, ताकि जिस चीज़ को जिस तरीके से यूज करने के लिए बताया जाए आप उसको उसी तरीके से यूज करें। क्योंकि जब आप आधी बात सुनते हैं तो यूज करने का आपका जो तरीका होता है ना वो बदल जाता है या गलत हो जाता है, तो उसकी वजह से फ़ायदे की जगह नुकसान होने लगता है। तो प्लीज़ बने रहिए पूरे टाइम वीडियो में। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है कि चेहरे के ऊपर झाइयाँ क्यों होती हैं, झाइयाँ चली जाती हैं लेकिन फिर वापस आती हैं और क्यों आती हैं, चेहरे के ऊपर दाग धब्बे हो जाते हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं जिनकी वजह से खूबसूरती हमारी बाधित हो रही है, ख़राब हो रही है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ ये समझनी होगी कि झाइयाँ या दाग धब्बे हमारे फेस पर आते क्यों हैं। तो इनका सबसे मेन रीज़न होता है हमारे हारमोन्स। ये मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में आपको बताया है कि हमारे जो हारमोन्स होते हैं उनमें जब गड़बड़ी होती है या तेज़ी के साथ उनमें बदलाव आता है, चेंज होते रहते हैं हार्मोन्स हमारे, तो हमारे फेस के ऊपर इस तरह की चीज़ें आती हैं। जैसे कि फेस के ऊपर जल्दी उम्र से पहले झुर्रियाँ शुरू हो जाना, अजीब टाइप की रेखाएं बन जाना, ढीलापन आ जाना स्किन में, दाग धब्बे हो जाना या झाइयाँ हो जाना। सबसे ज़्यादा झाइयाँ हमारे इसी हार्मोन्स की दिक्कत के कारण होती हैं, जो कि ख़ास तौर से लेडीज़ को उस टाइम होती जबकि लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं। और झाइयाँ सिर्फ लेडीज़ में ही नहीं होती है, जेंट्स में भी हो जाती हैं। लेकिन जो हार्मोन्स की मैंने बात करी, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी हार्मोन्स बहुत तेज़ी के साथ चेंज होते रहते हैं, इस वजह से प्रेगनेंसी के टाइम में झाइयाँ ज़्यादातर लोगों को हो जाती हैं। और जेंट्स में इसलिए झाइयाँ होती हैं कि जेंट्स बाहर निकलते हैं, कभी रेस्टोरेंट का ज़्यादा खाना खाते हैं या बाहर की तली भुनी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो इन सारी चीज़ों का असर सीधा हमारी स्किन और हमारे सौंदर्य के ऊपर होता है। अब हम इन चीज़ों को दूर कैसे कर सकते हैं, इनके लिए हम किन चीज़ों का यूज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको अपनी इस आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो देखिए, आपको कुछ भी नहीं लेना है, आप मुट्ठी भर के तुलसी की पत्तियाँ ले लीजिएगा। तुलसी की पत्तियाँ मुट्ठी भर आप ले लीजिए, मुट्ठी भर यानी कि उसमें लगभग 35-40 पत्तियाँ हो जाएंगी। और हमेशा ध्यान रखिए कि देसी तुलसी की पत्ती लीजिएगा, जो कि छोटी पत्ती की तुलसी होती है वो वाली पत्तियाँ लीजिएगा, और इनको आप बहुत अच्छी तरीके से धो करके इनका पानी सूख जाने दीजिए। पत्तियाँ नहीं सूखनी मुरझानी चाहिए, लेकिन पानी एकदम इनका सूख जाना चाहिए। उसके बाद में आप इन पत्तियों को सिल बट्टे के ऊपर, इनको मिक्सी जार में भी मत पीसिएगा, सिल बट्टे के ऊपर कच्चा दूध और नींबू के रस के साथ में पीस लीजिएगा। एक चम्मच कच्चा दूध और एक चम्मच नींबू का रस डालिएगा और इन तुलसी की पत्तियों को पीस लीजिए, बहुत बारीक चटनी जैसा पेस्ट बना लीजिए। अब कुछ लोगों को कच्चा दूध या नींबू सूट नहीं करता, तो वो लोग नींबू और कच्चा दूध दोनों ही स्किप कर दीजिए और दही के साथ में इन पत्तियों को पीस लीजिए। लेकिन दही थोड़ा सा खट्टा होना चाहिए आपका, बहुत ज़्यादा पुराना ना हो। लेकिन जैसे बहुत गर्मी है, एक दो दिन में ही दही काफ़ी खट्टा हो जाता है, तो एक दो दिन पुराना दही चलेगा। एक चम्मच दही डालिए और उनके साथ में, दही के साथ में इन पत्तियों को बहुत बारीक पीस लीजिए और उसके बाद में निकाल लीजिए एक कटोरी में, और उसी कटोरी में आप एक चुटकी हल्दी डाल दीजिए और अच्छी तरीके से मिक्स करके 3-4 मिनट के लिए इस कटोरी को ढक के रख दीजिए जिसमें आपने अपना ये तुलसी का लेप रखा है। उस 3-4 मिनट में आप अपने फेस को साफ करिए। तो अगर आपको दूध सूट करता, वैसे तो कच्चा दूध इतनी अच्छी चीज़ है कि सबको ही सूट करता है, लेकिन कुछ लोगों की स्किन को नहीं सूट करता है,
तो वो लोग अपने चेहरे को खाली पानी से धोकर साफ़ कर लीजिए, वरना जिनको सूट करता है वो लोग कच्चे दूध से अपने फेस को साफ़ कर लीजिए। कैसे साफ़ करना है कच्चे दूध से मैं बता चुकी हूँ अपनी दूसरी वीडियो में, मेरे जो प्लेलिस्ट है घरेलू फेस पैक की, तो घरेलू फेस पैक मेरी प्लेलिस्ट में आप वो वीडियो देख सकते हैं। दूध से चेहरा साफ़ करने के बाद में आप इस पैक को अपने पूरे चेहरे के ऊपर लगा दीजिए और इसको इत्मीनान से लगभग 15 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए। उस 15 मिनट में आप अपने घर का कोई भी काम कर सकती हैं या आराम से आंखें बंद करके आप लेट जाइए। और 15 मिनट के बाद में सादे पानी से अपने चेहरे को धो लीजिए। आप देखेंगे 3 से 4 बार जब आप इसको यूज कर लेंगे उसके बाद ही आपका चेहरा एकदम क्लीन होना शुरू हो जाएगा, दाग धब्बे ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। यहाँ तक कि आपके चेहरे का रंग अगर सांवला है तो रंग भी आपके चेहरे का निखरेगा, क्योंकि तुलसी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। तुलसी एक औषधि है जो कि हमारी स्किन की झुर्रियों को भी दूर करती है, स्किन को टाइट करती है, ढीलापन दूर करती है, हमारे स्किन के जितने भी दाग धब्बे होते हैं ख़ास तौर से झाइयाँ और डार्क सर्कल, इन सब को ख़त्म करती है। तो इस वजह से, और दूसरी बात जो हम इसमें दूध यूज कर रहे हैं, नींबू यूज कर रहे हैं या हम जो इसमें दही यूज कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ही पौष्टिक हैं हमारी स्किन के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। आप देखिए आपको बहुत जल्दी इसका फ़ायदा दिखने लगेगा, लेकिन आपको ये बहुत जल्दी लगा के छोड़ना नहीं है, नियमित आपको 40 दिन इसको लगाना है। और अगर आपकी झाइयाँ कई साल पुरानी हो गई हैं तो कम से कम 3 महीने तक आपको इसको लगाना होगा, और आप देखेंगे कि पूरी तरीके से आपकी झाइयाँ, आपके चेहरे के दाग धब्बे, झुर्रियाँ, ढीलापन, सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, आपका चेहरा एकदम टाइट हो जाएगा और खूबसूरत हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक मेरी वीडियो पहुंच सके। नमस्कार, धन्यवाद।